समझ लेते हैं संसार का सुख कैसा होता है। अच्छा देखिए, संसार का सुख ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और आराम से खाना खा रहे हैं, और उसमें कुछ गुंडे आ जाए आपके घर में और आपको उठा करके फिर पीटते हुए, दौड़ाते हुए, मारते हुए ले जाए भरी धूप में और खेत में खड़ा कर दे और बेत मारते रहे मारते रहे। आप चिल्ला रहे हैं, फिर कुछ देर बाद बेत मारना बंद कर दिया। आप कहते हैं बड़ी कृपा, बहुत कष्ट हो रहा था हमको, आप बेत मार रहे थे तो अब हमारा वो कष्ट कम हो गया तो हमको सुख मिलने लगा। सुख मिला नहीं, बस कष्ट कम हुआ। फिर उसके बाद धूप में खड़े हैं इतनी देर से, पसीना आए जा रहा है, चक्कर आए जा रहा है, अब वो कहे छाव में खड़े हो जाओ, बहुत कृपा आपकी, बहुत आनंद मिल गया हमको। अरे कोई आनंद नहीं मिला, बस कष्ट कम हुआ। फिर उसके बाद बहुत देर से खड़े हैं, आप बैठ जाओ, फिर उसके बाद खाना दो उसको, पानी दो उसको, तो वैकुंठ मिल गया, गोलोक मिल गया, आज बहुत आनंद आ रहा है। कोई आनंद नहीं आ रहा, ये तो वही थी आपकी सिचुएशन, ये तो दुख मिला था, फिर उसके बाद दुख गया तो आपको लगा सुख मिल गया, लेकिन सुख नहीं मिला, केवल दुख गया आपका। तो ये जो हमारा अटैचमेंट मानने की बीमारी है, ये गड़बड़ी है। हम किसी चीज में अटैचमेंट मानते हैं तो अगर हम ना माने तो सब ठीक हो जाए। और कोई ऐसी संसार में चीज नहीं है जिसमें सुख हो, आनंद हो, मैं कहता हूं कोई ऐसी चीज हो जिसमें 0.1% भी सुख हो, कोई है ऐसी चीज? कोई लड़का कोई लड़की, हम लोग एक दूसरे में अटैचमेंट करते हैं ये सोच करके कि हाँ इसमें सुख होगा। एक लड़का है एक लड़की को देखता है, देख करके सोचता है बस ये मिल जाए, इससे शादी हो जाए हमारी, पूरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रयत्न करेगा शादी करने के, शादी हो गई और फिर 10-20-25 साल बाद ये स्थिति हो जाती है कि पति कहता है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक वो दिन था कि तमाम बड़ी बड़ी बातें, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम सर्वस्व हो, और आज वही जिंदगी खराब कर रही है। ये सब की सिचुएशन एक दिन आ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में कि आपको उसमें सुख मिल जाए। सोचते नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा होगा, ये गलत काम करता है वो सही करेगा। आज कोई नहीं, नर्मदा के कंकर सब संकट सब इसी प्रकार है। आज हमने इसको देख लिया तो सोचते हैं ये गलत है वो सही होगा, कल को उससे मिलते हैं तो लगता है वो गलत है, तीसरा कोई सही होगा, इसी प्रकार का हाल है। लेकिन सब अपना अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हैं, सब मतलब ये है, सब स्वार्थी है, सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, इसलिए कोई एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस फर्क इतना सा है, अभी अपना नेचर छुपाए हुए है, फिर कुछ समय बाद अपना नेचर बताता है। यानी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कभी रूप दिखावा। तुम शांत थे वो भी शांत थी, तुमने अपना रूप दिखाया तो उसने भी दिखा दिया, क्या समझे हो अपने आप को। तो इस तरह से ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप करें और सब बोल दे हाँ ये बढ़िया है, ये एकदम सही चीज कर दी, ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में। ये आप लोगों ने का ख्याल सुना होगा शंकर पार्वती का। एक बार शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती चलो तुमको संसार की सैर करा लाते हैं। पार्वती गई शंकर जी के साथ, साथ में नंदी भी आए। अब तीनों तीनों चल रहे हैं नंगे पैर। हम लोग मिले संसार वाले, हमने कहा अरे ये पागल है क्या दोनों मियां बीबी, ये सवारी खाली खाली जा रही है, इनमें इतनी अकल नहीं है बैठ जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं चल रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं सुना पार्वती, पार्वती जी कहती है हाँ सुना, बात तो सही है। तो दोनों बैठ गए नंदी जी के ऊपर और फिर हम लोग मिले संसार वाले, हमने कहा अरे ये देखो ये बेचारा बेजुबान है ये पशु, तो कितना अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर, ये डबल डबल सवारी बैठ गए हैं। फिर पार्वती जी को कहा सुना पार्वती, पार्वती जी कहती है ये बात भी सही है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं मैं उतर जाता हूं। अब फिर कुछ देर बाद हम संसार वाले मिले, हमने कहा देखो ये क्या ये स्त्री है, क्या घोर कलयुग आ गया है, इसका पति चल रहा है नंगे पैर और ये स्त्री बैठी हुई है अपना महारानी बनकर के, कैसी स्त्री है ये। फिर शंकर जी ने कहा सुना पार्वती, पार्वती कहती है ये बात भी सही है, तो क्या करे, अच्छा आप बैठ जाइए मैं चलती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम मिले संसार वाले,
हमने देखा, कहा ये देखो ये बड़ा हट्टा कट्टा पुरुष और बैठा हुआ है, और वो बिचारी पत्नी दुबली सी स्त्री उसको चला रहा है, वो बिचारी बेहोश हो जाएगी, कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है। फिर कहा शंकर जी ने पार्वती अब क्या करें, अब तो सब चीज कोशिश कर ली, डबल डबल भी बैठ करके देख लिए, बारी बारी भी बैठ करके देख लिए, दोनों भी बैठ करके देख लिए, अब क्या करें। अब वो कहते हैं अब उठा लो नंदी को, अब तो बाकी सब तो हो गया, तो एक काम करते हैं नंदी को ही हम दोनों उठा लेते हैं। तो फिर जब हम बोले संसार वाले, हमने कहा ये तो पक्के पागल है, इनको तो पागल खाने में कोई बंद कराओ। अरे खुद उसके ऊपर बैठा जाता है पशु के ऊपर, पशु को अपने ऊपर लाद लिए, तो ऐसा हाल है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कर दे और संसार वाले कहे हाँ ये बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि दुर्जा नरी नास्तिका, दो ही तो पक्ष होते हैं, एक सही एक गलत, और कुछ लोग सही का पक्ष लेते हैं कुछ लोग गलत का पक्ष लेते हैं। तो अगर सही काम करेंगे तो जो गलत के पक्ष वाले हैं वो विरोध करेंगे, गलत करेंगे तो सही वाले विरोध करेंगे, तो जब विरोध होना ही है तो गलत काम क्यों करें हम। तो इसलिए इस बात को समझ लेना है कि मृत्यु लोक में सुख नहीं है, अच्छा जी तो फिर स्वर्ग में सुख होगा, ये भ्रम हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मृत्यु लोक में नहीं है तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग का सुख कैसा होता है उसका मैं अगर आपको दृष्टांत दूं तो यूं समझ लीजिए, जैसे अगर एक पृथ्वी का राजा हो, संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा है, युवा है, बलवान है, प्रतिष्ठावान है, धनवान है, गुणवान है, सब बाल उसके आगे पीछे लगे हुए हैं, ऐसा पृथ्वी का कोई एक राजा कितना सुख होगा उसके। ऐसे सैकड़ों राजाओं के बराबर एक मानव गंधर्व का सुख, ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के सुख के बराबर एक देव गंधर्व का सुख, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के सुख के बराबर एक पितृलोक का सुख, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख को मिला करके एक अजानच कर्म देव का सुख, ऐसे सैकड़ों अजानच कर्म देव के सुख को मिला करके एक नित्य देव का सुख, ऐसे सैकड़ों नित्य देव के सुख को मिला करके एक इंद्र का सुख, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख को मिला करके एक बृहस्पति का सुख, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख को मिला करके एक प्रजापति का सुख, और ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख को मिला करके एक ब्रह्मा का सुख। सोचिए कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के पास भी सुख नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नौर्जुन, गीता के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक, अर्थात ब्रह्म लोक जाकर के फिर लौटना पड़ जाएगा, वहां भी सुख नहीं है, तो क्या फायदा फिर, चाहे सब कुछ हो चाहे कुछ ना हो। देखिए केवल देखने का फर्क है, जैसे गाय होती है ना, तो गाय को हरी घास खाने में उतना ही आनंद मिलता है जितना हमको 56 व्यंजन खाने में मिलता है, लेकिन हम देखते हैं हाँ 56 व्यंजन और गाय को देखते हैं घास खा रही है बिचारी, बस देखने का फर्क है। जैसे जो आनंद एक राजमाता को अपने सुंदर गुणवान राजकुमार के आलिंगन में मिलता है, उतना ही आनंद एक भिखारन को अपने काने कुबरे अंधे पुत्र के आलिंगन में मिलता है। आनंद में कोई अंतर नहीं, केवल सोच का अंतर है। यूं समझिए सबसे अच्छे तरीके से, जैसे एक चपरासी है, अब वो चपरासी पैदल आता जाता है अपने काम पर, तो सोचता है कि अगर हमारे पास साइकिल हो जाए तो बड़ा आराम हो जाएगा। उसका मालिक है वो सोचता है गाड़ी हो जाए तो बड़ा आराम हो जाएगा। ये धीरे धीरे फिर दोनों मेहनत करते हैं, अब वो साइकिल ले लेता है अपनी, वो गाड़ी ले लेता है, कुछ दिन बाद उसका गाड़ी से मन भर जाता है। फिर वो सोचता है चपरासी ये देखो हमारा मालिक इसको गाड़ी में सुख नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो उसी तरह से ये सोच धीरे धीरे बढ़ती जाती है हमारी, और ये सोच बढ़ते बढ़ते फिर हम संसार के सर्वे सर्वा हो जाए, ब्रह्मा हो जाए, और वहां भी सुख नहीं है। भागवत कहती है कि यत्पृथिव्या व्रीहिवम हिरण्यम पशवस्त्रिया नाल्मेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णा परित्यजेत्। भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक,
अगर संपूर्ण विश्व की साम्राज्यश्री भी एक व्यक्ति के नाम पर दी जाए तो उसका भी वही हाल होगा जो एक रंग का होता है, खाली का होता है। तो क्या फायदा फिर सब कुछ हो चाहे कुछ ना हो। लेकिन फिर भी हम ये आशा रखते हैं कि हाँ इसमें सुख नहीं है उसमें सुख होगा। इसीलिए कहा गया गिरिर्महान गिरिर्लब्धा महान लब्धे नमो मत नवसोपि परब्रह्म ततोपि असाधुरत्या। जैसे सबसे बड़ा क्या होता है पहाड़, पहाड़ से बड़ा क्या समुद्र, समुद्र से बड़ा क्या आकाश, आकाश से बड़ा क्या भगवान, और भगवान से बड़ी क्या ये आशा। कौन सी आशा? आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। यहाँ नहीं मिला स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिला कहीं और मिलेगा, लेकिन ब्रह्मलोक तक कहीं आनंद नहीं है। तो आनंद फिर कहाँ है? भगवान में है। तो संसार में क्या है? सुख तो नहीं है। हाँ सुख नहीं है तो दुख होगा, नहीं दुख भी नहीं है तो फिर संसार में क्या है वो आपको कल बताया जाएगा, और कल कर्मयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।